की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है हमारे सामने और वो है धरने पर बैठा पत्रकार जगेंद्र का परिवार। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। शाहजहांपुर में घर के बाहर धरने पर बैठा है जगेंद्र का पत्रकार, जगेंद्र का परिवार। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जगेंद्र की हत्या हुई, जिसे बताया गया पहले सुसाइड है, उसके बाद कार्रवाई हुई, 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन अब परिवार बैठा है धरने पर यह मांग करता हुआ कि हम चाहते हैं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो। आमिर हक हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले जगेंद्र के पुत्र का यह कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समझ में आ जाएगा कि कैसे उन्होंने गुंडा पाल रखा है। आमिर हक हमारे साथ है। आमिर, पूरी खबर बताएं। ईशान, देखिए 6 दिन हो चुके हैं जगेंद्र सिंह की मौत को हुए और 5 दिन हो चुके हैं जब एक कत्ल के मामले की FIR मंत्री और 5 पुलिस वालों के खिलाफ कायम हुई थी, लेकिन अभी कि राज्य सरकार का रुख रहा है उससे बहुत ज्यादा नाराजगी है परिवार में। कल समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद आए थे यहाँ मिलने के लिए, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने परिवार के सामने की उससे भी बहुत ज्यादा नाराज हुए परिवार के लोग, और इसीलिए इन्होंने अब फैसला किया है कि CBI जांच की मांग करने के लिए एक धरने पर बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना होगा ये, और जब तक राज्य सरकार की ओर से कम मंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, राममूर्ति वर्मा को, साथ ही उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसके अलावा इनकी मांगे हैं कि परिवार के 2 बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए और CBI जांच की शुरुआत की जाए, क्योंकि राज्य सरकार और पुलिस ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचाया है परिवार को। इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।